हेलो बच्चों, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकाल करके लेके आनी है। तो देखते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं, और कोई भी अगर इश्यूज आएंगे आपको या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन में ये डाउट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये इक्वेशन को एज इट इज कॉपी करो, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। यस, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखो। उसके बाद ये क्या है बच्चों, देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें से x या y को एलिमिनेट करना है। अब इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे या निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऐसे लिखो मल्टीप्लाई, क्या बच्चों, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट जो है आप उसको बाय 3। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है तो हो जाएगा 3x, 7 3 21 y और फिर 10 3 30, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये होने के बाद आप देखो ये इक्वेशन 3x plus 21y is equals to 30, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है और यहाँ पे क्या है बच्चों 10 है। तो ये 7, ये 10 और ये क्या है बच्चों 30। अब ये और ये इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 7 है, तो जिसके इक्वल के बाद 30 है वो इक्वेशन बड़ा होता है। ओके, तो इस बड़े वाले इक्वेशन में से हम छोटे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में से हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो ये क्या इक्वेशन है, देखो बच्चों ये हमारे पास है 3x 21y is equals to 30। ओके, और ये इक्वेशन देखो क्या है बच्चों, 3x minus 2y is equals to 7। ओके, अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ। ओके, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाने के बाद देखो ये ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस और ये माइनस ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। फिर आपको यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये प्लस है और ये भी क्या है बच्चों प्लस है, तो 21 में 2 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ, तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों 23 और y है तो y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। आपने मेंशन नहीं किया प्लस का साइन तो भी कोई इशू नहीं है, उसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 30 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा बताओ, तो आ जाएगा बच्चों आपका 23। और 30 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 30 बड़ा है तो उसका प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा प्लस का, और ये प्लस का साइन नहीं लिखा तो भी हमको क्या होता है चलता है। फिर आप क्या करोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर y को एज इट इज, ये यहाँ पे ऑलरेडी 23 है, ये मल्टीप्लाई में ये आएगा यहाँ पे डिवाइड में, फिर ये 23 वन जा 23 और देयरफॉर आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों 1। अब ये जो y की वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 1 इन इक्वेशन, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो तो इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको y के प्लेस पे क्या रखना है बच्चों 1, तो आप बोलोगे देयरफॉर x एज इट इज, 7 एज इट इज और y के प्लेस पे आप क्या रख दोगे बच्चों 1 इज इक्वल्स टू 10। यस, एंड देयरफॉर x एज इट इज 7 1 7 इज इक्वल्स टू 10 एंड देयरफॉर ये 10 है ये प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 और यहाँ x का x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 में से 7 गया तो कितना आएगा बच्चों हमको 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों हमको 3। और उसके बाद देयरफॉर आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे आप लिख दो आंसर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, तो x के प्लेस पे क्या आया बच्चों आपको 3 और y के प्लेस पे आपने क्या ले लिया 1 इज द सॉल्यूशन, आप क्या लिख दोगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो या इज द सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो ये है बच्चों फाइनल सॉल्यूशन इसका। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच बच्चों।